वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि डोसा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले डोसा बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने रख लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले ये है हमारा मटर, उसके बाद ये जो है मस्टर्ड सीड ले लिए हैं, ये धनिया हो गया चॉप करा हुआ, ये प्याज चॉप करा हुआ, और ये जो है हमारा टमाटर हो गया अच्छा सा चॉप करा हुआ। ये है नमक, मिर्च ले ली है कुछ बारीक कटी हुई, ये मीठी नीम की पत्तियां हो गई, ये अदरक हो गया, और साथ ही साथ हमने ये ऑयल ले लिया है 4 चम्मच, और ये कुछ चीज हमने ग्रेट कर कर रखा है, ये आलू हो गया हमारा, और ये जो हमारा हो गया पेस्ट, ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट को तैयार करने के लिए हमने जो है इसमें 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल भिगोई है, उसको 1 दिन भिगोने के बाद उसको पीस लिया है, और उसके पीसने के बाद 1 दिन हमने इसको जो है खमीरा उठने के लिए छोड़ दिया है। और ये आप देख सकते हैं इसका पेस्ट जो है ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, तभी आपका डोसा जो है प्लेन पेपर जो डोसा है या चीज़ डोसा है वो अच्छी तरीके से बन सकेगा। तो ये सारा हमारा जो है इंग्रेडिएंट्स हो गए, और अब इसके बाद हम जो डोसा के अंदर जो स्टफ भरा जाता है उसको कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, हमने कढ़ाई रखी है गैस पर, उसके बाद इसमें ऑयल डाल देते हैं, जो ऑयल है अच्छी तरीके से हीट हो चुका है, इसमें अब हम मस्टर्ड सीड ऐड कर देंगे, उसके बाद हम ये मीठी नीम टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना मिर्च डाल देते हैं ऑयल में। इसके बाद हम अब इसमें आलू ऐड कर देंगे, ये हमने आलू मैश करा हुआ डाल दिया है इसमें, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम मटर भी ऐड कर देंगे इसमें। ये देख सकते हैं हमारा जो स्टफ है डोसे के अंदर भरने वाला वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बाउल में खाली करके उसके बाद अब डोसे का जो पेपर है वो कैसे तैयार किया जाता है वो हम बताएंगे आपको। चीज डोसा बनाने के लिए हमने सबसे पहले तावा चढ़ा लिया है, और तावा चढ़ाकर जो है गैस जो है हमारी तेज रहेगी, फ्लेम जो है तेज रहनी चाहिए जिससे कि तावा जल्दी से गर्म हो जाए, और तावा हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है क्योंकि हमने फ्लेम तेज रखी थी। तो अब हम बैटर डालेंगे इसमें, और बैटर जो है 1 चिमचे से थोड़ा कम डालेंगे। फ्लेम तेज ही रहेगी, धीमी नहीं करनी है, और जब ये पूरा सूख जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे अभी गीला है, तो जब ये पूरा इस कलर का हो जाएगा तब हम इस पे जो इसका स्टफ है वो लगाएंगे। ये पूरा हमारा 1-3 कलर का हो चुका है, इसमें जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, अब हम इसमें स्टफ लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने इसमें जो स्टफ था वो लगा लिया है, अब हम इसमें सैलड डालेंगे, जिसमें कि इसमें हमने लिया है प्याज, हरा मिर्चा और हरी धनिया है हमारी की, तो इसको हम डालेंगे इसमें। और थोड़े से टोमेटो डालेंगे, बारीक कटा हुआ ये टमाटर है, इसको डाल लेना है पूरे में ऐसे, और क्योंकि हमारा ये चीज डोसा है तो अब हम इसमें चीज ऐड करेंगे। और ये हमारा स्टफ जो है वो हो चुका है कंप्लीट, अब बारी आती है इसको फोल्ड करने की, तो इसको अब हम फोल्ड करेंगे। और इतना करने के बाद हमें फ्लेम जो है वो
लो कर देनी है। और इस तरीके से ये हमारा डोसा प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब ये चीज़ डोसा जो है हमारा वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसका मज़ा लीजिए और साथ ही साथ और लोगों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसके टेस्ट का जो है लुत्फ़ उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ डोसा कैसा लगा। और ये सांभर और चटनी के लिए जो है हमने इसे प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है अच्छे से कि कैसे बनाया जाएगा, तो अगर आप सांभर और चटनी बनाना चाहते हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी इसे टेस्टी वीडियोज़ हम डालेंगे तो वो आप तक पहुँच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।